गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, आदाब एवं सत श्री अकाल। आदरणीय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों और उन सभी सज्जनों का जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को डीएवी स्कूल परिवार की तरफ से सादर नमस्कार। इस सत्र के परीक्षा परिणामों के घोषणा समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार एकेडमिक रिजल्ट्स की घोषणा गत वर्षों के मुकाबले कुछ अलग अंदाज में हो रहा है। ऐसा स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ है। गत वर्षों में इस अवसर पर हम स्कूल के प्रांगण में एक दूसरे के आमने सामने होते थे, परंतु इस बार ऐसा नहीं है। हम यहाँ स्कूल में और आप अपने अपने घरों में। आप रिजल्ट सुनने स्कूल आते थे, लेकिन इस बार रिजल्ट को लेकर हम आपके घर में हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक विजिबली इनविजिबल पावर, एक दृश्य अदृश्य शक्ति ने हम सबके सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया और इस शक्ति का नाम है कोरोना। इस अदृश्य शक्ति ने पिछले एक साल में जो तांडव मचाया था, हम सबने देखा, सारे संसार ने देखा, परंतु बड़े संयम और इच्छा शक्ति के साथ हम उससे लड़ रहे हैं। आपसे अनुरोध है, उसी संयम और इच्छा शक्ति के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। तो इस अवसर पर मेरे साथ हैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट आदरणीय सुखदेव सिंह बराड़, स्कूल की डायरेक्टर आदरणीय मैडम प्रभजोत कौर एंड स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान नीरज कुमार यादव, किड्स ब्लॉक के मैट्रन श्रीमती पूनम कोड़ा, स्कूल के परीक्षा नियंत्रक एवं कंप्यूटर अध्यापक श्रीमान प्रमोद कुमार शर्मा और ऑफिस असिस्टेंट मिस्टर दिनेश कुमार कोड़ा जी भी हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आखिरकार जिस घड़ी का हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। अब मैं अपने प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगा कि वे एकेडमिक रिजल्ट्स ऑफ सेशन 2020-21 की औपचारिक घोषणा करें। आदरणीय नीरज। थैंक यू सोलोमन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड विशेस फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, टीचर्स and all the DAV family। सर ने जैसा कि आपको बताया कि COVID-19 के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सभी को फेस करनी पड़ी। उस दौरान जो टीचिंग होनी चाहिए थी वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, लेकिन मैनेजमेंट ने उस दौर में तुरंत निर्णय लिया हमारे डीएवी स्कूल का कोई भी बच्चा इस कोविड के कारण स्टडी से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो इस कंसर्निंग में टीचर्स के सहयोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, सभी पेरेंट्स को उन ग्रुप्स में जोड़ा गया और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तुरंत प्रयासों से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई। और इस दौरान स्कूल ने पूरी कोशिश की कि जो बेस्ट कंटेंट है अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चों के पास पहुंचे। और हमें इस बात की खुशी है कि पेरेंट्स का इसमें बड़ा योगदान रहा। इस COVID-19 में आप सभी पेरेंट्स ने और बच्चों ने भी बढ़िया तरीके से इन क्लासेस को अटेम्प्ट भी किया और उसका नतीजा ये है कि आज हम आपके सामने
कोविड 19 के दौरान जो ऑनलाइन स्टडी हुई उसके रिजल्ट को लेकर के हम आपके सामने हैं, और इस टीचिंग के दौरान कोशिश की गई कि जिस तरह से ऑफलाइन टीचिंग यानी पहले कोविड से पहले जो क्लासेस चलती थी उसी तरीके से ये क्लासेस रन हुई और टेस्ट भी उसी तरीके से बच्चों के लिए गए। बस फर्क ये था कि ऑफलाइन ना होकर के वो सारे के सारे टेस्ट ऑनलाइन थे, बच्चों को लिंक्स प्रोवाइड किए गए, बच्चों ने बड़ी संख्या में उसमें भाग लिया और उन सभी के परिणामों को जोड़ करके हमने आज इस रिजल्ट को प्रिपेयर किया है जिसकी घोषणा हम अभी करने वाले हैं। हम बात करेंगे थोड़ा उस सेशन की भी जो 18-19 इससे पहले का जो सेशन था जो कोविड के कारण कुछ एग्जाम्स बच्चों के नहीं हो पाए थे, उस रिजल्ट के दौरान हमने उन बच्चों का कुछ एवरेज मार्क्स लेकर के वो रिजल्ट भी प्रिपेयर किया है। तो गत वर्ष और ये 2021 का रिजल्ट दोनों पूर्णतः तैयार हैं। इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा, लगभग सभी बच्चे इसमें प्रमोट हुए हैं अगली क्लास के लिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। एक विशेष बात जो इस बार हमने की है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें थी, पेरेंट्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, नेट की भी प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन टीचिंग के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो इस बार सभी बच्चे प्रमोट हुए हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं दिया गया है, यानी सभी बच्चे इस समय एक ही पोजीशन से पास हुए हैं और सभी बच्चे इक्वल हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो सेशन है उस सेशन में अगर सब सर्कमस्टांसेस सही रहती हैं तो हम ऑफलाइन यानी कि बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ेंगे और फिर वो परिस्थितियां नॉर्मल होते ही सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो परीक्षा परिणाम रहा है उसमें बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1 अप्रैल यानी कल से शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम ऑफलाइन जो क्लासेस हुई हैं, ऑफलाइन यानी कि क्लास 6 से लेकर के 11 तक के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में आते थे उनकी हमने एग्ज़ाम्स लिए हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड्स तैयार हैं पिछले साल के भी और इस साल के भी। वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आकर के स्कूल कैंपस में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आ पाएँ, फेस मास्क लगा करके, और अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स आप ले जा सकते हैं। इसके बाद में 2 अप्रैल को सेम टाइम यानी कि सुबह प्रातः 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड्स पेरेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन वही है कि आप पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में स्कूल कैंपस में आएं और अपने बच्चों को भी कोशिश करें कि वो बच्चे स्कूल में अगर आपके साथ आते हैं तो यूनिफॉर्म के अंदर आएं, एक उनके अंदर एक भावना वापस स्कूल से जुड़ने की पैदा हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं इसके अंत में उम्मीद करता हूं कि जितने भी टीचर्स जिन्होंने इस ऑनलाइन टीचिंग में हमारा सहयोग दिया है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आई विश कि ये कंडीशंस दोबारा नहीं हों, लेकिन कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो हम नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे और स्कूल की कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे स्तर का जो शिक्षा है वो आप तक सभी तक पहुँचे। और आगे के लिए मैं सोलमन सर के पास आपको भेज रहा हूँ, ओवर टू सोलमन सर। सो यू मस्ट हैव लिसन टू द रिजल्ट विच हैज बीन अनाउंस्ड जस्ट नाउ।
So from my side, I would like to convey all the congratulations to you. Well done, all the students, because you all have been promoted to the next class. And about the coming session, when it is going to be started, what is going to be done during the new sessions there? Now, we would like to talk about you, the special activities which are going to be conducted in the school during the session 2021 and 2022. We have so many activities in our school, but during the last year, when we look back into that one, we didn't have any one of them. But we are trying to carry out all those activities in the coming months also, coming days also. So once again, I would like to draw your attention towards the principal sir for many more information about this new session for us. Once again, over to our beloved principal, Neeraj sir. Thank you, Salman sir, once again. As we are stepping into the new session, and one of the unique features for us, especially for the DAV family regarding this session, I am very pleased to announce, to inform you that DAV Centenary Public School, Sadul Shahar, has entered in the 20th session this year. Yani 20th सत्र में DAV स्कूल प्रवेश कर चुका है और ये सब सादुल शहर के जितने भी अभिभावक हैं उनके विश्वास से जो उन्होंने इस संस्था के ऊपर जताया दिखाया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से उनका सहयोग और विश्वास हमें प्राप्त होता रहेगा क्योंकि एक छोटे से पौधे के रूप में आज से 20 वर्ष पहले सत्र 2002-03 में ये स्टार्ट किया गया था एक बहुत ही छोटी सी बिल्डिंग के अंदर और तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक जो छोटा सा पौधा मैनेजमेंट ने साधु शहर में लगाया है शायद ही कोई जानता हो कि ये इतना ग्रोथ करेगा एजुकेशन के मामले में और CBSE तक पहुंचेगा लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ सहयोग होता है जिस पर लोगों का विश्वास होता है तो वो कहीं नहीं रुकता वो निश्चित रूप से आगे जरूर बढ़ता है और हमें आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा सहयोग रहा है वो आप लोगों का रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक खुशी अपने मन के अंदर महसूस करें और हमें उससे ये विश्वास पैदा होता है हमारा कर्तव्य और बढ़ता है कि हम आपके बच्चों को और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ा पाएं उनके जीवन के हर पहलू को हम आगे ले जा पाएं ऐसी हम कामना करते हैं और मैं आपको बताऊं कि 2020-21 का जो सेशन है ये 1 अप्रैल से वैसे स्टार्ट होता है नॉर्मली लेकिन स्कूल खुलने का जो रहेगा वो सिस्टम 5 अप्रैल से बच्चे स्कूल में आ पाएंगे क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स एज इट इज ऑफलाइन जैसे बैग के साथ में आएंगे लेकिन नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कंसर्न रहें न्यूज़पेपर्स को आप देखें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जिस तरह का आदेश होगा हम वचनबद्ध हैं हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं सहयोग करेंगे और जैसा सरकार हमें निर्देशित करेगी स्वास्थ्य विभाग जैसा हमें निर्देशित करेगा हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि
सरकार का और विद्यालय का इस एवज में सहयोग करें। अगर किसी कारण से ऑफलाइन छोटे बच्चों की क्लासेस नहीं भी शुरू हो पाती हैं तो आप चिंता मत कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस फिर स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप के बच्चों की जो स्टडी है वो एज इट इज चल पाएगी। अब हम बात करते हैं कि जब स्कूल चलता है तो उसमें जरूरत पड़ती है कुछ टेक्स्ट बुक्स की, तो कोविड को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष निर्णय लिया गया है मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से कि किसी भी टेक्स्ट बुक को बदला नहीं गया है। लास्ट सेशन में जो बुक्स थी वही बुक्स सेम टू सेम यानी वैसी की वैसी ही किताबें इस सेशन में भी लागू हैं, और जिस प्रकार से लास्ट सेशन में आप अलग अलग जो बुक स्टोर्स थे वहाँ से आप उसको सादुल शहर में जो भी बुक स्टोर्स पिछले साल जहाँ से आपको बुक्स मिली थी आप वहीं से इस वर्ष भी बुक्स ले सकते हैं। किसी पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप स्वेच्छा से जहाँ आपका मन करता है वहाँ से आप उसको परचेज करें। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बात आती है कि जब स्कूल खुल जाएगा तो बच्चे कैसे आएंगे, तो अगर स्कूल नर्सरी से लेकर के पूरा खुलता है तो कोविड के नियमों की पालना करते हुए स्कूल वैन्स वैसे ही यथावत चलेंगी जैसे पहले चल रही थी, और अगर 6 से लेकर के 12 तक का चलता है तो वो भी चली रही थी उसी तरह से चलेगी। तो ये है प्लानिंग 2021 की। नाउ ओवर टू सोलोमन सर। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। So, it was the principal of the school who told you about the timing and functioning of the new session. And now, you must be waiting for the school to be opened and witness so many activities in the school. So, I must tell you, there are so many things waiting very patiently for you in the school. Once again, let's move towards the principal, sir, to listen what things are the school having in its yoke. Over to Neeraj sir once again. Thank you, Solomon sir. Once again, as we know, in 2021-22, the session is before us, and we are just trying to inculcate some new things in the development of the students. सबसे पहला जो हमारा aim रहेगा इस बार वो रहेगा character building and personality development पर, कि जो भी बच्चे हैं उनका personality development किस तरीके से किया जाए, और character building के ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा हमारा मोटिव रहेगा कि बच्चों के अंदर एडिकेट्स मैनर्स और भी बढ़िया तरीके से हम रिफ्लेक्ट कर पाएं, और तीसरी चीज़ जो अक्सर कम देखने को मिलती है वो है कैरियर गाइडेंस की। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में स्टेपिंग करते हैं यानी जैसे ही वो क्लास 9th में आते हैं उनके पास कोई मोटिव नहीं होता है, या क्लास 10th के बाद में उनको दिक्कत ये आती है कि किस सब्जेक्ट को लें, कौन सी स्ट्रीम में जाएं, क्या वो बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सो हमारी कोशिश रहेगी कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हुए हम सजेस्ट करें कि कौन से कैरियर उनके लिए सुटेबल रहेंगे। तो ये तीन चीज़ों पर हम इस साल फोकस करने वाले हैं। Now, over to Solomon sir. Okay, तो आपने सुन लिया न्यू सेशन में, नए सेशन में क्या कुछ नया होने वाला है। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स अरीना की तरफ। आप जानते हैं अपने स्कूल स्पोर्ट्स के मामले में बहुत ही आगे हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन राजस्थान, स्पेशली द गर्ल्स ऑफ DAV सेंट्रल पब्लिक स्कूल have proved themselves
they are the best in the nearby areas in so many games like Khokho, Kabaddi and other athletics events. But very amazingly, I would like to tell you that this year you are going to have absolutely very new two games in the school. It's a secret. I don't want to tell you this one now because Neeraj sir is ready to convey this happiest thing to you in his own words. Now for those students who are willing to perform on the ground, we have added few more opportunities for them to show their power, their strength and their interest on the ground. As you all know, prevailing games in our school are volleyball, khokho, kabaddi, athletics, wrestling. Besides this year we are going to introduce two more games. One is basketball, as the basketball ground is 90% prepared, under construction is over there, and we will have for our use from the next session. And the second game is rugby. So rugby is area ke liye ek naya game hai. Basketball to sabhi jante honge, lekin rugby naya hai. To is saal se hum bachchon ke liye specially do aur opportunities provide karwa rahe hain, aur koshish rahegi ki bacche zyada se zyada in sports mein bhag lein, taki ground ke upar जितना वो पसीना बहाएंगे उतना बढ़िया उनकी हेल्थ होगी, और एक हेल्दी शरीर में ही एक हेल्दी माइंड रहता है, ऐसा हम सब जानते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ये भी स्कूल प्रोवाइड करा रहा है नेक्स्ट सेशन से. आई होप दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल मेक देयर पार्टिसिपेशन इन दीज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड गेम एज वेल एज the other games which are prevailing previously, and we will try to introduce more games as we step into the time and it will be demanded, we will add new things. Thank you. So DAV Sereri Public School has always been very very sensitive towards the girl children. The girls of the school are obviously strong, but from the new session the school wants to make them much more stronger. So the girl empowerment, yeah, how to enhance the girl power, what the school can do, let's know from the director of the school, Madam Prabhujot Kaur, what she has to tell us about this girl power and what she is going to do and what is her feeling towards this topic related to girls' empowerment. Good morning. ये बताते हुए हमें बड़ा proud feel हो रहा है कि DAV school इस session में 20 years complete करने जा रहा है. In 20 years में हमने girls की education, उनकी activities, उनकी sports में काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि सादर शहर एक rural area है, तो इसीलिए specially हमने girls पर ज़्यादा काम किया है. इस चीज़ में हम कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुए हैं.
हमें इम्प्रूवमेंट भी दिखी है क्योंकि गर्ल्स ने अपने एकेडमिक रिजल्ट के साथ साथ गेम्स में स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे रही हैं, नेशनल लेवल तक खेली, चाहे वो खो खो टीम हो, चाहे वो कबड्डी की टीम हो या एथलेटिक्स हो। तो हम आने वाले सेशन में इन चीज़ों पे और ध्यान देंगे, उनके स्किल पावर में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम अलग अलग क्लासेस देते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी देंगे। तो हमारी कोशिश है कि इस एरिए की गर्ल्स जब ये स्कूल से बाहर जाए तो वो मोर कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड रहे, ताकि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक प्राउड फील करे। यही हमारा मेन पर्पज है। सो फॉर एवरी स्कूल इट्स किंडरगार्टन इज एक्टिंग लाइक द मेन पिलर, इज एक्टिंग लाइक द बैकबोन। आई मीन टू से दैट द नर्सरी, एलकेजी एंड द यूकेजी क्लासेस आर द backbone of any kind of educational institution, because education starts right from there. And in our school also there's a separate block for the younger children, the kids, that is the kids wing, the kids block. Ab unke liye kya nayi baat is session mein honi hai उस बारे में जानते हैं किड्स ब्लॉक के मैट्रन मैडम पूनम कोड़ा से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्कूल जानता है कि पुस्तक ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ज्ञान के साथ साथ जान का होना भी आवश्यक है। कहा भी गया है, जान है तो जहान है। जान से मेरा तात्पर्य शारीरिक शक्ति। बच्चों के लिए शारीरिक शक्ति पाने का एक ही विकल्प है, पर्याप्त खेल। खेल के लिए आवश्यक है उचित स्थान। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने किड्स ब्लॉक के सामने अम्यूजमेंट पार्क बनाने की योजना बनाई है, जिसमें बच्चे खेले कूदें और बच्चों का शारीरिक विकास हो सके। Everybody knows that we are in an age of modern technology and science and technology. Especially we are in the age of information technology, IT in short we can say. And today we are going to introduce a very very useful part of the information technology, very very useful area of the information technology in the school during the new session. And I think there is no one who is better than Mr. Pramod sir to tell about what is going to be introduced this session 2021 and 2022. Thanks sir, and good morning to everyone. First of all, I want to congratulate to all the parents and students for academic result 2020 and 21. जैसा सोलोमन सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। लास्ट ईयर हमने इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एज वी नो दैट वी सर्वाइव इन डिजिटल एज एंड ऑल्सो वी यूज टेक्नोलॉजी इन ऑनलाइन स्टडी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज़ करते आए हैं अलग अलग ऐप्स के थ्रू, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर या ऐप्स हम यूज़ करते हैं क्या वो हम बना भी सकते हैं, क्या हम उनकी कोडिंग भी कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगा यस, हम कोडिंग कर सकते हैं। आपने वाइट हैट क्लास जो कोडिंग के लिए इंट्रोड्यूस हुई है उनकी ऐड भी आपने टीवी में देखी होगी। तो जो ये कोडिंग है वो एक तरीके की स्टूडेंट्स के अंदर प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की एक कला है, और इसी वे में स्कूल आल्सो वांट्स टू इंट्रोड्यूस कोडिंग क्लासेज फॉर स्टूडेंट्स इन कमिंग सेशन। और ये जो कोडिंग क्लासेज हैं इसकी थ्रू आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं उसके बारे में मैं थोड़ी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप इसको अपना कैरियर चूज कर सकते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर, रोबोटिक इंजीनियर आल्सो। और इसको हमें कोडिंग को हमें क्यों
अपनाना चाहिए या क्यों इसको हमें सीखना चाहिए, तो इसके मैं कुछ एक रीज़न बताना चाहूँगा आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो कोडिंग है या जो कोडर्स हैं उनकी आज के टाइम में आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेकेंडली, जो कोडिंग नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी बिल्टअप करती है स्टूडेंट्स में। कोडिंग की जो थर्ड क्वालिटी है वो है कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है, हर बार कुछ नया प्रोग्राम नया ऐप बनाने की क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको तैयार करते हैं कि आप कोडिंग सीखें। तो आई होप यू विल आल्सो जॉइन कोडिंग क्लासेस जो कि स्कूल इस साल से शुरू करने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे आपको प्रमोद सर ने कहा कि स्कूल इस सेशन से कोडिंग एक नया जो सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर के साथ ऐड करने को है, तो आपको कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस काइंड एक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। एंड नाउ यू नो दैट नाउ द न्यू सेशन यानी ये 2021 और 22 का ये जो सत्र है ये स्कूल के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस ईयर है, बिकॉज वी आर इन द 20th सेशन ऑफ आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल अब लगभग 20 साल के होने को है। जब हम 22 के सेशन अगले मार्च में जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस करेंगे तब हमारा स्कूल 20 साल का हो चुका होगा। ये जो 20 ईयर्स की जर्नी है, जो सफ़र जो इनके जो मैनेजमेंट ने तय किया, स्पेशली हमारे सुनील सर ने जो तय किया 20 ईयर्स का सफ़र, उस बारे में आज हम सुनील सर के ज़ुबानी ही सुनेंगे। थैंक यू सलोमन सर। जैसे कि आपने बताया अपने स्कूल को DAV इंस्टीट्यूट को 19 साल पूरे हो गए हैं और 20वां साल जो अब शुरू हुआ है ये नया सेशन, इस 19 सालों में सभी जो स्टाफ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, चाहे वो गेटमैन हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हुए मैनेजर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल और हम सब, ये सबका एक हार्ड वर्क, सबका ये स्ट्रगल जो 19 साल तक चला है उसी का ये रिजल्ट है कि आज हमारी इंस्टीट्यूट को इस एरिया में नाम से जाना जाता है। हमारी कोशिश है कि हर गांव-गांव डानी डानी में हमारी सोच पहुंचे। हमें पता है कि हर स्टूडेंट सर्विस पे नहीं लग सकता, अगर उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो सर्विस देने वाला भी बन सकता है। तो हमारी यही सोच है कि इस एरिया को एक ऐसा इंस्टीट्यूट दें जो आने वाले टाइम में घर घर ढाणी ढाणी में ये लोगों को लगे कि कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारा एरिया ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, हर जगह पे बच्चे आपको हमारे इंस्टीट्यूट के मिलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो साथ दिया अपने पेरेंट्स ने और हमारे बच्चों ने, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ से स्टडी करके गए उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट आए। उन्होंने बताया कि CBSE क्या होती है, CBSE बोर्ड में आप बच्चों को लगाओगे तो क्या बेनिफिट्स आगे, ये सब वजह है कि ये इंस्टीट्यूट अब जहाँ तक पहुँचा है। और अब हमारे हर गांव में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या सिस्टम है, उनको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो आगे की जो भी ऑल वर्ल्ड में चाहे जो भी इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट की ये सोच है कि पॉलिटिकली और सोशल एरियाज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी से कभी भी धोखा ना खा सकें, इतने उनकी सोच ऊपर होनी चाहिए कि उनको कोई भी गांव में आके कोई झूठा भाषण दे के, झूठी स्पीच दे के उनको प्रभावित ना कर सके। ऐसा जब बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं आप सबका, पेरेंट्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप ही की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। थैंक यू। 2020-21 का जो सेशन है ये ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा चला गया और इस ऑनलाइन क्लासेस के दौरान एक ऐसा शब्द
बार बार सुनने को मिला, वो है लिंक। सो दिस लिटिल वर्ड लिंक हैज बिकम अ लिंक टू लिंक द मदर्स टू द स्कूल थ्रू द स्कूल लाइब्रेरी। सो द स्कूल हैज डिजायर्ड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी द मदर्स टू कम टू द स्कूल एंड गेट बुक ऑफ देयर चॉइस इन ऑर्डर टू रीड एट होम इन देयर spare time. So I would like to request all the mothers of the children who have registered in the school, you are getting an opportunity to come to us and have a book to read for your pleasure at home. Thank you very much. For the last words, I would like to move towards Neeraj sir. Thank you, Solomon sir. And I would like to say thanks to all the parents, students, for sparing the time to connect with us. And I would like to wish or pay best wishes to all the students for promoting in the next level or next standard of the class. And I hope that the coming time or coming session will be a great time for learning and joy. At last, मैं आप सबसे parents से ये कहना चाहूँगा कि अभी तक सिर्फ lockdown खुला है, corona अभी गया नहीं है, खतरा जैसा पहले था वैसा है और भी गहरा सकता है, लेकिन हमें संयम बरतना है, सावधानी बरतनी है और कुछ नियमों का हमें पालन करना है ताकि इन विकट परिस्थितियों में हम अपने बच्चों की एजुकेशन को प्रॉपरली चला पाएं। इसलिए ध्यान दें कि जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं, फिजिकली जो प्रेजेंट होंगे, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप अपने बच्चों को मास्क लगाकर ही स्कूल में भेजें, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उन्हें बताएं। हम भी स्कूल में लगातार अनाउंसमेंट करते हैं, बच्चों पर इस बात का ध्यान देते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज वो बच्चे करते रहें, ऐसा उन्हें आप बताएं। और एक सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल आप उनके बैग में एक हैबिट के तौर पर अपनाने के लिए बोले, उनके पास हमेशा रहनी चाहिए। और बच्चों को सजेस्ट करें कि जितना भी जंक फूड है उसको वो अवॉइड करें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, फूड हैं, उनको वो खाएं। और जैसा कि आप बच्चों को जितना प्यार करते हैं, हम भी उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि आपके घर से निकलने के बाद जैसे ही वो बच्चे स्कूल में आते हैं वो हमारे हैं और हम चाहते हैं कि उनकी सेहत जो है वो बढ़िया रहे, वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए बहुत कुछ वो आगे बढ़ें, खुश रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।